खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। हरदोई के धर्मशाला रोड स्थित छत्री भवन में आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित सभी 13 लोगों को हरदोई क्षत्रिय समाज की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जनरल रावत देश के उत्कृष्ट सैनिक और एक सच्चे देशभक्त थे। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसके प्रति की गई उनकी सेवाओं को देश कभी नहीं भूल पाएगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक जनरल रावत का नाम रहेगा। इसके अलावा हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने जल्दी स्वस्थ होने की सभी से कामना की। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से छत्री समाज हरदोई के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, महामंत्री राजेश कुमार सिंह, राजेश सिंह, बनवारी सिंह, आचार्य शिवचरण सिंह चौहान, राजा पक्ष सिंह, आकाश सिंह, अमित सिंह, विवेक सिंह, आरपी सिंह, अखिलेश सिंह, शिवेंद्र सिंह, रजनीश सिंह, रमेश सिंह, रानू सिंह चौहान, हरिवंश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय बंधु मौजूद रहे। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यांगत आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उनके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन, पूरा स्टाफ उनका जो साथ में था वो भी निधन हुआ। उनके निधन पर हम लोग शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम छत्री सभा के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग आज शोक में ग्रस्त हैं। हमारा भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।